नमस्कार। अब पहला जो चैप्टर है वह इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। मूलतः विजुअल आर्ट यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, दूसरा शब्द है परफॉर्मिंग आर्ट, तीसरा शब्द होता है बाकी के जो मिसलिनियस आर्ट। सिलेबस को तीन भागों में बांटा जा सकता है। विजुअल आर्ट जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, विजुअल जिसका विजुअल हो, जैसे वास्तुकला, स्थापत्यकला, शिल्पकला, चित्रकला, तीन चीज़ों का हम इन दो बिंदुओं के क्रम में देखेंगे। ठीक है, इंडियन जो आर्किटेक्चर अर्थात स्थापत्य और वास्तुकला है, और दूसरा जो शिल्पकला और जो हमारी कहते हैं उसको मूर्तिकला, ये उसको अगर आप देखें तो दोनों का समावेश पाया जाता है। मूर्तिकलाएँ स्थापत्य कला के साथ में जुड़ी हुई हैं। अधिकतर जो हमारे कलाकार थे वह मूर्तियाँ भी बनाते थे और स्थापत्य की भी रचना करते थे, बिल्डिंग भी बनाते थे, भवन भी बनाते थे। वस्तुतः अगर आपको पता हो तो दोनों में अंतर दिया गया है नितिन सिंघानिया जी के द्वारा, आर्किटेक्चर में स्कल्पचर में। आर्किटेक्चर में आकार व विस्तार के आधार पर अगर देखें तो आर्किटेक्चर अर्थात वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्माण को बताता है, भवन के डिजाइन और निर्माण बिल्डिंग से संबंधित होते हैं। वही मूर्तिकलाएँ जो स्कल्पचर हैं वास्तुकला से अलग हटके, यह छोटे आकार की, सामान्यतः 3D डिजाइन होती है, छोटे आकार की मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियाँ लघु रचनाएँ हैं। वहीं अगर दूसरा आधार देखें सामग्री के आधार पर देखें प्रयुक्त सामग्री, तो वास्तुकला में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। भवन बनवाते समय आपने लकड़ी, पत्थर, बालू मतलब रेत, विभिन्न प्रकार के धातु, कांच आदि का इस्तेमाल किया होगा, तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है स्थापत्य में। वहीं स्कल्पचर में अर्थात मूर्तिकला में जिस प्रकार की मूर्ति बनाई गई उसी प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल होता है, सामान्यतः एक ही प्रकार की सामग्री से बनी होती है। सामान्यतः शब्द देखिए, एक ही प्रकार की, कुछ मूर्तियों में थोड़ी जैसे तांबे की मूर्ति बनाई, चांदी की आँख लगा दी गई, तो कुछ अपवाद हैं, लेकिन सामान्य रूप से मिट्टी की मूर्ति में मिट्टी का ही इस्तेमाल, तांबे की मूर्ति में तांबे का ही इस्तेमाल, इस तरह से मूर्तिकला आप समझिए। वहीं जो सिद्धांत के इस दृष्टि पे देखें, सिद्धांततः वास्तुकला में या फिर स्थापत्य कला में इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, अभियांत्रिकी की, गणित के अध्ययन की आवश्यकता होती है, विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है। वहीं जो स्कल्पचर है, मूर्तिकला है, शिल्पकला हमारी चित्रकला, इसमें ज़्यादातर जरूरत कल्पना की होती है, रचनात्मकता की होती है, रचनात्मकता सृजनशीलता की आवश्यकता, क्रिएटिविटी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी की। उदाहरण में देखिए आर्किटेक्चर का ताजमहल, आर्किटेक्चर स्थापत्य और वास्तुकला तीनों एक ही है। ताजमहल, कोणार्क मंदिर, ये सब चीज़ें जो भी भवन हैं। स्कल्पचर में आप देखेंगे तो ब्रॉन्ज डांसिंगर आप मोहनजोदड़ो अर्थात नटराज मंदिर देखें, नर्तकी की कांस्य मूर्ति देखें, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया कि भारत में दोनों कलाकार एक ही हुआ करते थे, अलग अलग नहीं थे, भारत में होते थे लेकिन सामान्य रूप से वही कलाकार मिले जुले थे। तो जो हमारे मंदिर बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, जो हमारे बिल्डिंग्स बने हैं, भवन बने हैं, उसमें दोनों का समावेश एक साथ दिखाई देता है। दीवार है, दीवार पे ही चित्र भी बने हैं, दीवार पे ही आपके मूर्तियां भी गढ़ी गई हैं, पत्थरों को काटकर भवन बनाए गए हैं। आधुनिक काल से लेकर प्राचीन काल तक अगर हम बांटें आर्किटेक्चर स्थापत्य और स्कल्पचर के अध्ययन के दृष्टि से, तो प्राचीन काल को मूलतः मध्यकालीन को, आधुनिक काल को तीन भागों में बांटेंगे। प्राचीन काल का जो भाग है
उसको कई भागों में, पहला हड़प्पा काल, हड़प्पाई कला, दूसरा मौर्यकालीन कला, तीसरा मौर्योत्तरकालीन कला, गुप्तकालीन कला और दक्षिण भारतीय कला। वहीं मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल में, आधुनिक काल में इंडो गोथिक शैली, नव रोमन शैली, ये दो भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। पहला जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के आसपास हुआ, अर्थात ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जैसा कि नितिन सिंघानिया लिखते हैं। इनका कहना है कि यह उत्तर पश्चिम और पश्चिम भाग में भी विकसित था, तो यो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्रों में इसका विस्तार था। मूलतः यह देशी सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता थी। बाहर की सभ्यताओं के विशेषताओं से यह सुसज्जित नहीं थी, यह स्वयं की सभ्यता विकसित की हुई थी, मतलब बाहर का प्रभाव इस पर बहुत ही कम था। इसके लिए मेलुहा शब्द आया हुआ है मेसोपोटामिया में, अन्य सभ्यताओं में इसके लिए एक ऐसा समाज जो था कि वह जो व्यापार पर आधारित था। इसमें विशेषताओं को देखें, टाउन प्लानिंग नगर नियोजन प्रमुख विशेषता है। इसकी जो पब्लिक बाथ सिस्टम है, ग्रीनरी है, डॉकयार्ड है लोथल वगैरह में पाया गया, यह सब एक अनूठी व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। कुछ हम इनके स्थल देखते हैं। ये स्थल आपके यूपीएससी में हो सकता है ना काम क्या है, लेकिन आप मुख्य परीक्षा में इसका उपयोग करेंगे, नंबर बढ़ेगा। इंटरव्यू में आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आपके पास अच्छा उत्तर होगा देने के लिए, और स्टेट पीसीएस में बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें। पहली जो है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें मिली हैं। लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक मिले हैं। मातृदेवी की मूर्ति मिली है। लकड़ी की ओखली में गेहूं जौ मिला है। पासा ताम्रतुला दर्पण मिला है, दर्पण आईना मिला है। ताम्रतुला मतलब ताबे की तौलने की यंत्र, तुलन यंत्र कह लें, तराजू। इसके अलावा काष्ठ धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिली है। लाल बलुआ पत्थर पर बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। गढ़ी प्रमुख है इसमें, जहाँ पे वृहद स्नानागार, वृहद अन्नागार, दाह संस्कार के पश्चात सवाधान का प्रमाण मिला, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति की मोहर मिली है। गुजरात में धौलावीरा है, जहाँ पे विशाल जलाशय मिला, जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बाध, तटबंध, विज्ञापन पट्टिका के रूप में 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाला अभिलेख मिला है। ये प्रमुख स्थल हैं। दूसरा स्थल है गुजरात में लोथल, जहाँ पे गोदी मिली है, अर्थात व्यापार के लिए जहाँ पे आने वाले समुद्र के जो जहाज से जहाँ पर रुकते थे, समुद्री व्यापार का प्रमुख स्थल माना जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैनचेस्टर? मैनचेस्टर इसलिए प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। शवदाह के अवशेष को दफनाने की प्रथा भी थी यहाँ पे। धान की भूसी मिली है, अग्निवेदिकाएं मिली हैं, चित्रित भांड मिले हैं, चित्रित मृदुभांड मिट्टी के घड़े मिले हैं, आधुनिक शतरंज मिला है, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृतियां 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण मिले हैं गुजरात के लोथल से। इसके अलावा राखीगढ़ी प्रमुख है, हरियाणा में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अन्नागार समाधि क्षेत्र मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं यहाँ से। रोपड़ पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान के साथ दफन हुआ कुत्ता मिला है यहाँ पे। राजस्थान के लोथल और कालीबंगा से चूड़ी कारखाना मिला है, खिलौना गाड़ियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, अलंकृत ईंटों का उपयोग यहाँ पे मिला है। गढ़ी और निचला शहर दोनों यहाँ पे थे।
ये चीज़ें। दूसरा, गुजरात में सुरकोतदा है जहाँ पे घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला। हरियाणा में बनावली सूखी हुई सरस्वती नदी पर खिलौना हल मिला है। सूखी हुई सरस्वती नदी के तट पे था यह बनावली हरियाणा का। यहाँ से खिलौना हल, जौ का अवशेष, लापीज लजूली, अग्निवेदिका, अंडाकार आकार की बस्ती, अरिय गलियों वाला एकमात्र नगर है। अरिय गलियाँ थी यहाँ की। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, मांदा सबसे उत्तरी स्थल था जम्मू कश्मीर, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं, ये बेसिक चीज़ है। अब समझिए कि जो आर्किटेक्चर है मूलतः नगर नियोजन, पब्लिक बाथ, ग्रीनरी, डॉक यार्ड वगैरह को संभावित रूप से व्यक्त करता है। उसके अलावा जो स्कल्पचर है उसमें सील पत्थर के, जो ब्रॉन्ज के, टेराकोटा के जो स्कल्पचर हैं वो सब, बाकी ऑर्नामेंट पॉटरी भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर नगर नियोजन के बारे में अगर समझे तो यह इंडिजीनियस अर्थात वह लोकल कला थी, क्षेत्रीय स्तर पर विकसित कला थी, कोई बाहरी प्रभाव नहीं है इसमें। और मध्यकाल से और प्राचीन काल से भी इनका डिफरेंस है क्योंकि ऐसी सभ्यता, ऐसा उन्नत संस्करण प्राचीन काल के अन्य समय में और मध्यकाल में भी नहीं दिखाई देता है। एक और बात है, नो इंटीग्रल यूज ऑफ स्कल्पचर, स्थापत्य के साथ में स्कल्पचर का उपयोग नहीं मिलता है, जो कि बाद में मिला है, आपको देखा होगा मंदिरों में, आप लोग शुरू में हमने समझा था। हो सकता है कि शुरू में उपयोग में किए गए हों, डेकोरेटिव वगैरह इस्तेमाल किए हुए सजावटी तौर पे, लेकिन बाद में लकड़ी के इस्तेमाल किए होंगे, हो सकता है बाद में गल गए होंगे, दीमी खा गई, दीमक लग गए, लेकिन वास्तव में वर्तमान में अवशेष नहीं मिले हैं, अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है किया हो इन्होंने, ठीक है। अब ये जो टाउन प्लानिंग है इनका, नगर नियोजन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस काल में नगर नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख आप जरूर कीजिए। प्रश्न मुख्य परीक्षा है तो कुछ भाग इनके जरूर उल्लेख करना पड़ेगा आपको, जैसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो इन चीज़ों को आपको, हर काल की विशेषता होगी, इन विशेषताओं को आप बिना उल्लेख किए नंबर नहीं पाएंगे, जिसको आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। टाउन प्लानिंग में रिवर बैंक पर स्थित है, उसके आसपास है, उसके अलग भी स्थित है। जो रोड होती हैं वह चौड़ी थी, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर नगर विभाजित था, नगर जो है आयताकार ग्रिड पैटर्न पर विभाजित था। अगर इस तरह बांटे हैं तो ये, अगर हम सड़कें मान लें तो जो नगर है वह विभाजित है, सड़कें आपको नगर को काटती हैं, सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती थी, इस तरह से उत्तर अगर यह है, दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जा रही हैं और कई सड़कें जा रही हैं। अब ये शहर को, नगर को कई छोटे छोटे भागों में, कई खंडों में विभाजित करती थी, जबकि जो छोटी सड़कें हैं इसके साथ में छोटी सड़कें भी हैं, वह छोटी छोटी सड़कें जो अंदर के घर हैं, अंदर के जो गलियाँ हैं उसमें जाती थी, उसके जो मकान हैं उनको जो जोड़ती थी घरों को। घर केवल एक मंजिला नहीं थे, बहुमंजिला इमारतें भी थे, उनको जोड़ती थी, इस प्रकार नियोजन व्यवस्था थी। तीन प्रकार के भवन पाए गए हैं, तीन प्रकार के भवन पाए गए हैं। एक तो भवन है निवास गृह, दूसरा भवन है सार्वजनिक भवन, तीसरा भवन है सार्वजनिक स्नानागार। इन भवनों में मिट्टी की पकी ईंटों का उपयोग हुआ, पकी ईंटों का उपयोग जिनका मानक है, निर्धारित आकार की ईंटें हर जगह से लगभग पाई गई हैं, एक ही माप की, एक ही आकार की मिट्टी की पकी ईंटों का उपयोग हुआ है और इनको जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का उपयोग किया गया है, जिप्सम के गारे का उपयोग किया गया है। पुनः यहाँ पे किसी मंदिर का या रिलीजियस धार्मिक स्थल का प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष कला थी, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है। आपने देखा होगा मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिरों और शासकों के लिए विशेष रूप से बड़े बड़े महल मिले थे, अवशेष उनके मिले थे,
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बड़ी जो स्मारक की रचनाएं हैं वह नहीं मिली हैं। ठीक है, यहाँ पे वही हाल मिले हैं, वर्कशॉप मिले हैं, हॉस्टल मिले हैं, मार्केट प्लेस वगैरह थे, घर थे, बहुमंजिला घर थे, सिंगल घर भी थे, एक कमरे वाले भी घर थे, लेकिन बड़े बड़े रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिले हैं। तो यह धर्मनिरपेक्ष कला थी एक तरह से, आप इसको भी याद रखिए। अगली बात, जो टाउन था, शहर था, वह दो भागों में विभक्त था। एक तो ऊंचाई पर स्थित जो गढ़ी है, ऊंचाई पर स्थित गढ़ी अपर साइड, जो कि उच्च वर्ग के लिए या फिर कहिए जो संभ्रांत वर्ग हो उनके लिए बना होगा, या फिर जो राजा साहिब वगैरह अगर होगी, अभिजात वर्ग होंगे, संभवतः शासक वगैरह होंगे, उनके लिए बना हुआ था, पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसके पास थी। और दूसरे थे नीचे, नीचे नॉन साइटल, नीचे वाले स्तर जो थे, जो कि नीचे स्तर पर स्थित थे, और वह वहाँ पे आम जनता लोग रहते थे होंगे, इसके अनुमान लोग लगाते हैं। नॉन साइटल, साइटल मतलब गिरा हुआ, तो यह डोमिनेंस को दिखाता है। घरों के बारे में यहाँ पर उल्लेख है, घर जो थे वह वही मिट्टी के फिक्स साइज के, और स्टोन और लकड़ी का भी उपयोग हुआ है, जिसमें कि नहाने के लिए स्टोरेज की, वेल की भी व्यवस्था थी। मतलब जो घर थे वह एक कक्षीय, बहुकक्षीय, एक मंजिला, दो मंजिला भवन भी प्राप्त हुए हैं, और इसमें अधिकांश जो भवन थे उसमें निजी कुएं थे, स्नान गृह थे नहाने के लिए, वायु संचार के लिए खिड़की वगैरह की भी व्यवस्था थी। जो सड़कें थे और मुख्य सड़क की तरह न खुल के, जो गेट था मुख्य सड़क की ओर न खुल के गलियों में खुलते थे, शायद उससे प्रदूषण, धूल गर्दे से भी निजात मिल जाती होगी, ऐसा था वहाँ पर व्यवस्था। उसके अलावा जो बिग बिल्डिंग का एविडेंस नहीं है उस तरह से, जैसा कि मेसोपोटामिया वगैरह में है, लेकिन जो बिल्डिंग का अवशेष हैं वह पब्लिक बिल्डिंग है, सार्वजनिक भवन है, और कोर्टयार वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे एक बात उल्लेखित है कि निचले शहर में एक सिंगल सिंगल रूम वाले भवन भी मिले थे, सिंगल रूम, एक अच्छे छोटे भवन भी मिले थे, संभवतः श्रमिक वर्ग के लिए थे, कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी थी, उसको भी आप जानते रहिए। पब्लिक बाथ का जो सिस्टम है, पब्लिक बाथ का, वह बृहद स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था, और इसमें अभी तक कोई दरार या रिसाव नहीं है। इनके चारों तरफ छोटे छोटे रूम भी बने हुए थे यहाँ पे, ताकि कपड़े बदलने वगैरह के लिए, और संभवतः बताया जाता है कि शायद किसी विशेष स्थल पर इसका उपयोग होता होगा, या फिर जब पब्लिक गैदरिंग होती होगी या फिर कोई आयोजन होता होगा उसके लिए इसका इस्तेमाल होता होगा। यह केवल अनुमान है, रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल होता था कि नहीं, अनुमान पर आधारित है। और यह दिखाता है कि जो स्वच्छता है, स्वच्छता पर भी इनका विशेष ध्यान था। वे जो बनाई गई है कुंड, वह इतनी वैज्ञानिक दर से बनाई गई है कि अभी भी कोई दरार या रिसाव इसमें नहीं है, स्टील फंक्शनल है, नो लीकेज क्रैक, अभी भी इसमें कोई दरार या रिसाव नहीं है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग क्षमता का बखान करने के लिए बहुत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रेनरीज हैं, ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे अन्न रखे जाते हैं, अन्न अन्नागार, तो अन्नागार बुद्धिमत्ता के साथ डिजाइन किए गए हैं, और इसमें वायु संचार का भी इस्तेमाल उपयोग किया गया है, वायु संचार वाहिकाएँ, वायु संचार की जो कुएँ, छोटे छोटे गड्ढे इस तरह के बनाए गए, और उसमें अनाज का भंडारण किया गया, इसका आप देखिए यहाँ पे, और उसको फिर अच्छे से पैक किया गया। साथ में यह ऊंचाई पे बने हुए हैं, यह ऊंचाई पे बने हैं, सिटाडल में जो अर्थात जो गढ़ क्षेत्र था उसमें पाए गए हैं, ऊंचाई पे बने हुए हैं, ताकि चूहे वगैरह जो होते हैं पहले नीचे खुदाई करते हैं तो फिर उनको ऊपर जाना पड़ेगा, इस तरह से वहाँ पे अच्छे से बनाया हुआ है, तो उससे बचाव होता है, तो यह कीटों से भी रक्षा करता है और अनाज के भंडारण में मदद करने के लिए बनाया गया था। दूसरी जो है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, यह आधुनिक जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी के तरह का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे पाया गया है, और इसमें क्लीनिंग की भी व्यवस्था थी, और ये जो ढके हुए थे वह टेम्प्रोरी ढके हुए थे ऊपर से, अब इसको जब चाहो तब पटिया वगैरह अगर रखी हुई है तो उसको घसका के, खिसका के आप उसकी सफाई कर सकते हो। एक बात और याद रखिए
कि जो ये नालियाँ थी, ये जो निकासी, जल निकासी व्यवस्था है, वह प्रत्येक घर से छोटी छोटी नालियाँ निकलती थी, प्रत्येक घर से छोटी छोटी नालियाँ निकलती थी, और वह नालियाँ छोटी छोटी निकल के जो मुख्य सड़क है उसके साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी, बड़ी नालियों से जाके जुड़ती थी। अब नालियों में एक तो यह चीज़ बताया कि जो कि इनको हटाया जा सकता हो, ऊपर से ऐसी ढकी हुई थी ताकि सफाई की जा सके, साथ में भी जगह जगह पिट होते थे, जिसको आजकल हम शिश पिट कहते हैं, मलकुंड। तो जल का प्रवाह अगर इस तरह से हो रहा है तो जल में जो भारी कण होंगे, जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे, अवशेष होते हैं, वह भारी जो कण हैं वह जल के साथ में जहाँ गड्ढा पाएंगे उसमें वह इकट्ठा हो जाएंगे शिश पिट में, और उसको फिर वहाँ से निकाल कर अलग करना, और केवल जो जल है, पानी है, वही आगे बढ़ पाएगा, और जो कचरा है एक जगह थोड़ा थोड़ा जगह पे इकट्ठा होता जाएगा, तो उसको निकाल के सफाई में आसान रहेगा। तो ये देखिए वैज्ञानिक स्थान। इसके अलावा वहाँ पे ज़्यादातर घरों में नल और नहा स्नान की व्यवस्था भी थी। उसके अलावा घरों में भी कुएं थे, स्नान गृह थे। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर पूछे कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के स्वच्छता पर बल दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। कई स्थानों पर बाहर में भी कुएं थे, बाहर में भी कुएं थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की कई मोहरें मिली हैं। इसके अलावा टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में मेसोपोटामिया का विकास हुआ था। वहाँ के लोग इसको मेलुहा शब्द का उपयोग किए थे। तो विद्वान कहते हैं मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए विकसित है। ये चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। अब बाकी के हम अगले लेसन में देखते हैं। मैं हूँ ADP शुक्ला। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपने कल लाइक किया था, बड़ा अच्छा लगता है आपके लाइक को देखकर, और कमेंट भी आपने किए थे, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपको, और फिर मिलते हैं दोस्तों आगे इसी तरह से। टेक केयर, बाय बाय।